पीछे करो भाई। दिक्कत है, पहले तो हम सबन पर बहुत हंसा करती थी, मजा लिया करते थे। अरे पीको तो 5 बजे तक का ही टाइम दे रखा है, हमको तो पूरी जिंदगी निकल गई इसी काम में, तब तो तुमको तरस नहीं आया? हमें माफ कर दो आप लोग, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम नहीं जानते थे कि एक दिन यही दिन हमने अपने बेटे के ऊपर ही देखने पड़ेंगे। हमने कमल नारायण के प्रभाव में आकर ये सब किया। यकीन जाने हमें अपनी गलती का बहुत एहसास है, हमारे बेटे के साथ ऐसा न कीजिए। हार मत मानना बेटा, तुम कर सकता है। हाँ सूरज बाबू, हार नहीं मानो, हमका पूरा विश्वास है कि काम हुई जाएगी। डाक बाबा का आशीर्वाद है थोड़े से, और वैसे भी 5 बजे का भी वक्त है, हुई जाएगी। देखिए इतने में वो सूरज ने बोला कि आपको हमारी कसम हट जाइए, हम दुखा। और इतने में वो खांसने लगा बुरी तरह से। देखिए 30 मिनट उसको संभाल रही, वो खड़ी हुई बोली, शिकू मत भूल कि तूने हमारा नमक खाया, सूरज ने तेरे साथ ना इंसाफी की होगी, मगर हमने तो नहीं की, हमारे बच्चे को थोड़ा सा तो पानी पिला दे। और शिकू ने बोला, अरे आज बेटा बंधुआ है तो बड़ी दया आ रही, बाकी किसी बंधुआ पे तो कभी कोई तरस नहीं खाया। और इससे में देखिए किशोर ने बोला, किशोर अरे ठीक कह रहे शिकू, हम पर तो बड़ा हंसती थी, मजे लेते थी, पूरी जिंदगी इसी में निकल गई, तब तो नहीं आई, माफ़ी मांग रही है, बोले हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई, नहीं जान पाए थे तब के, एक दिन हमें भी ये सब कुछ कर देखना होगा, गलती का एहसास भी है, मगर हमारी गलती की सज़ा हमारे बच्चे को मत दीजिए। हमारे बच्चे को थोड़ा सा पानी दे, थोड़ा सा पानी दे। अरे इसको तो 5 बजे तक का टाइम दिया है, हमारी पूरी जिंदगी इसी में निकल गई, तब तो नहीं आ रही थी हम पर तरस खाने। और तेजस्विनी देखिए सबसे हाथ जोड़ने लगी, बोले कि हमको माफ कर दीजिए।